नमस्कार दोस्तों, माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल अपने बुआ से मिलने, और उसके बाद अभी आपको दिखाऊंगा माहौल। ये देखिए, ये नारायण स्वरूप हॉस्पिटल है दोस्तों। देखिए यहाँ कबाड़ खाना है, दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं हम। थोड़ी दूर बचा है, ये हॉस्पिटल की दीवार है ये, और यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये नारायण स्वरूप हॉस्पिटल है दोस्तों, ये देखिए नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल का यहाँ दोस्तों, अब सीढ़ी चढ़ेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर हम लोग पहुँचने वाले हैं दोस्तों। कमरे में भर्ती है दोस्तों, मैं वहाँ आ गया हूँ। ये देखिए बड़े भैया हैं, बुआ के लड़के हैं बड़े, और ये हमारी बुआ हैं। देखिए आराम कर रही हैं, इस समय डॉक्टर बोला आराम करने के लिए दोस्तों, और आराम कर रही हैं। और ये देखिए अभी थोड़ा जीभ में दिक्कत है दोस्तों, जो कि बोल नहीं पा रहे, उनको प्रॉब्लम था इसलिए भर्ती कराया गया दोस्तों। और ये देखिए रूम है प्राइवेट, देखिए और ये देखिए पूरा रूम खर्चा ऐसा। ये हमारी बुआ की बड़ी लड़की है दोस्तों, और ये हमारी बुआ है। आप लोग सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब करिए, और कहिए कि बुआ हमारी ठीक हो जाए अच्छे से, और आप लोग दुआ करिए। आप लोग पूछ रहे हो दोस्तों हॉस्पिटल में बुआ जी को हुआ क्या। बुआ जी को अक्सर एक्चुअली दोस्तों ये हुआ कि बहुत दिन से इनकी जीभ थोड़ी सड़ी थी, तो वहाँ गाँवों में दिखाए दोस्तों, तो वहाँ पे थोड़ा दिखाए तो आराम नहीं मिला दोस्तों, तो फिर उनको लाना पड़ा नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। ये बड़ी हॉस्पिटल है दोस्तों, अच्छे डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, और थोड़ा जानकारी में थी तो इसलिए दोस्तों यहाँ लाना पड़ा। यहाँ ला के लाए दोस्तों तो आराम मिला काफ़ी, और आराम मिलने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। एक दो घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि तीन चार दिन से भर्ती थी दोस्तों, तो आज डिस्चार्ज कर दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद फिर एक दो घंटे बाद वो चली गई दोस्तों, और उसके बाद फिर हम अपने घर आए, नहाए धोए और खाना खाए दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोग बताते हैं, हमारी बुआ जो है बहुत अच्छी थी दोस्तों, कुछ आप कह नहीं सकते, इतनी अच्छी हैं कि हम लोग कभी भी इनके यहाँ जाते थे तो ये अपने बच्चों की तरह हमें ध्यान रखती थी। खाना पीना में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है दोस्तों, इसलिए आज दुख होता है। इतनी अच्छी बुआ बीमार है, हमसे दुख होता है। तो आप लोग एक एक छुट्टियाँ होती दोस्तों, आप लोग भी जाते होंगे अपने बुआ के यहाँ, नानी के यहाँ लोग जाते थे, लोग अपने बुआ के यहाँ आते थे, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता था। और इतना खेलते थे, और आम तोड़ने जाते थे, और उनका जो भी हर चीज़ में पूरा सहयोग करती थी, और कभी ये नहीं कहें कि तुमने गलती की। कुछ भी गलती हो जाए तो कभी डांटी नहीं है हमारी बुआ, और हरदम हर चीज़ में आगे आती थी। शादी ब्याह हो कुछ हो, बुलाती थी, दौड़ करती थी,
इसलिए आप लोग दुआ करिए दोस्तों कि हमारी बुआ ठीक हो जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि बुआ जी अच्छे से ठीक हो जाए, और मैं कुछ नहीं मानता भगवान से, तो इसलिए यहीं से ब्लॉग रखता हूँ दोस्तों, और यहीं से जय हिंद।